हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में हमने मौर्य काल को पढ़ लिया था और मौर्य काल के जो अशोक का चैप्टर बचा था, जिसमें कुछ अभिलेख बचे थे, वो हमने लास्ट के लास्ट में कंप्लीट कर लिए थे। अब जो बाद का जो टाइम पीरियड आता है वो मौर्योत्तर काल का आता है, यानी कि मौर्यों के बाद का आपका एक काल आता है जिसमें मौर्योत्तर काल के राजा होते हैं। जिसमें आपका क्या होता है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे क्या होता है। मौर्योत्तर काल में एक तो आपके विदेशी राज्य होते हैं, एक आपके देशी ब्राह्मण राज्य होते हैं, मतलब अपने ही देश के कुछ ब्राह्मण राज्य उभर के आते हैं। तो विदेशी राज्यों में आपके ये कहाँ पे होते हैं, उत्तर जो पश्चिम प्रांत है, मतलब क्या है आपका, जैसे कि आपका उत्तर में जाइए तो पश्चिम साइड में जो भी, मतलब जहाँ से आपके तुर्की अरबी सही ज्यादा से ज्यादा आपके जो आक्रमण होंगे वो आपके यहीं से होते हैं। तो विदेशी राज्य आपके ये वहीं पे फलते और फूलते हैं। इसमें आपका मध्य भारत का भी क्षेत्र आता है, उत्तर पश्चिम प्रांत में मध्य भारत भी आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपके शासक थे वो आपके, एक तो आपका हिंद यवन था, एक आपका कौन था, शक था, एक आपका पहलव था, एक आपका कुषाण था। हालांकि हमने यूनानी और ईरानी आक्रमण भी पढ़ लिए हैं, वो भी आपके विदेशी ही आक्रमण थे। अब उन्हीं का ये एक क्रम है जिसमें हिंद यवन भी आते हैं, फिर शक आते हैं, पहलव आते हैं और कुषाण आते हैं। एक पल्लव होता है, एक पहलव होता है, ये दो वर्ड अलग अलग हैं। अब यहाँ पे आपका ब्राह्मण राज्य जो आपके देश में ही से उभर के आएंगे उसी टाइम पीरियड में मौर्योत्तर काल में, तो इसमें आपके ये कहाँ पे होंगे, ये आपके पाटलिपुत्र में, जैसे कि आपका शुंग वंश आएगा, आपका कण्व वंश आएगा, सातवाहन वंश आएगा, वाकाटक वंश आएगा और उसके बाद जो आपका एक वंश आएगा चेदी वंश आएगा। तो ये सारे के सारे राज्य आपके यहाँ पे निकल के आएंगे। तो हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो आपके देशी ब्राह्मण राज्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो आपके विदेशी ब्राह्मण राज्य पढ़ लेंगे। तो इसमें क्या है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके देशी ब्राह्मण राज्य से, जो कि पाटलिपुत्र और आपके कहाँ, महाराष्ट्र वाले इलाके में थे। तो हमारी जो स्लाइड आई है वो क्या है, शुंग वंश सबसे पहला हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये शुंग वंश क्या है, ये मौर्योत्तर काल में जब मौर्य काल का पीरियड चल रहा होता है, तो वहां पे जो मौर्य काल का जो लास्ट आपका एक तरीके के बोल सकता हूं मैं जो शासक होता है ना, उसको ये खत्म करके आते हैं। जो आपका बृहद्रथ शासक होता है मौर्य काल का लास्ट शासक, उसको खत्म करके आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये शुंग वंश मूलतः कहाँ का था, ये उज्जैन की ब्राह्मण जाति थी। ये सारे के सारे ब्राह्मण राज्य हैं और देशी ब्राह्मण राज्य हैं। इसमें जो आपके राजा हुए हैं, जैसे कि पुष्यमित्र हुआ है, ये इसका संस्थापक ही है। उसके बाद अग्निमित्र होता है, वसु ज्येष्ठ आता है, वसुमित्र आता है, वागभद्र आता है और देवभूति, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट राजा आते हैं। तो एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग से। क्या है, पुष्यमित्र शुंग 185 बीसी में आता है और आपका ये 149 बीसी तक शासन करता है। तो मतलब काफी लंबे टाइम तक ये भी शासन करता है। तो शुरू करते हैं, क्या संस्थापक इसका कौन है, यही है आपका पुष्यमित्र शुंग है। मौर्यों के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की थी इसने और इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो आपकी विदिशा थी। क्या थी इसकी राजधानी, विदिशा इसकी राजधानी थी, किसकी, पुष्यमित्र शुंग की। और यहाँ की जो राजभाषा थी वो आपकी संस्कृत थी। तो ये बात आपको याद रखना है, पहली बात तो ये ब्राह्मण राज्य है तो संस्कृत ही इनकी होगी भाषा। अब इनके दरबार में एक व्यक्ति रहते थे पतंजलि। तो पतंजलि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि पतंजलि किसके दरबार में रहते थे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। और इस पतंजलि ने, मतलब ये पतंजलि जो विद्वान है, इन्होंने क्या लिखा है, योग शास्त्र लिखा है, महाभाष्य लिखा है, ये दो इनकी रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। एग्जाम में लाखों बार ये पूछी जा चुकी हैं, योग शास्त्र और आपकी महाभाष्य, तो इनको मत भूलना आप लोग। अब ये जो महाभाष्य है ये पाणिनि के अष्टाध्यायी से प्रेरित है। पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी रचना लिखी है उसी आधार पे आपका क्या है, ये महाभाष्य, जैसे कि पाणिनि व्याकरण पे आधारित है तो उसी आधार पे ही आपका महाभाष्य भी आपका व्याकरण पे ही आधारित एक ग्रंथ है। अब जो पतंजलि है, यही तो पतंजलि है। अब ये किसके शासन काल में है, पुष्यमित्र के काल में है। तो इन पतंजलि ने क्या किया, दो अष्टमेघ यज्ञ करवाए हैं। किसके लिए, आपके पुष्यमित्र शुंग के लिए इन्होंने दो अष्टमेघ
यज्ञ करवाए हैं। अभी अष्टमेघ यज्ञ क्या होता है ये शायद मैं आपको बता भी चुका हूं, अगर नहीं बताया तो अभी बता देता हूं। अष्टमेघ यज्ञ क्या होता है कि जैसे एक राजा जो बहुत बड़ा राजा हो जाता है तो वो अपने एक घोड़ा छोड़ता है जिसको हस्त बोलते हैं, उस घोड़े के गले में एक चिट्ठी बांध देता है जिसपे लिखा रहता है कि ये घोड़ा जहां जहां तक जाएगा वो क्षेत्र हमारा हो जाएगा, अगर कोई भी राजा इसको रोकता है तो उसको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो ये होता है आपका अश्वमेघ यज्ञ, तो ये दो बार इन्होंने कराया है। यवनों ने चित्तौड़ के पास माध्यमिका नगरी और अवध पर आक्रमण किया था, पुष्यमित्र शुंग ने उसको विफल कर दिया। अब ये पुष्यमित्र शुंग क्या है, इसके काल में उस यवन आक्रमण होते हैं चित्तौड़ के पास, तो ये पुष्यमित्र शुंग उनको क्या कर देता है, फेल कर देता है उनको, मतलब एक तरीके से हरा देता है उनको, क्या कर देता है यहां से खदेड़ के भगा देता है। अब यहाँ पे जो धर्म था वो वैदिक धर्म का यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से पुनरुत्थान होता है। क्यों, अभी तक तो आपका जैन धर्म चल रहा था, बौद्ध धर्म चल रहा था, मौर्यों ने तो आपके क्या है अशोक तो पूरा का पूरा आपका क्या हो गया था, बौद्ध धर्म का ही उपासक हो गया था। तो क्या हुआ था, जब ये विदेशी ब्राह्मण राज्य आएंगे तो ये क्या करेंगे, फिर से वैदिक धर्म को स्थापना करना चाहेंगे, फिर से उसी संस्कृति को लाना चाहेंगे जो कि वैदिक काल में चल रही थी। तो उसका क्या है, यहाँ पे बोला जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग है ये वैदिक धर्म और वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान करता है, यानी कि वैदिक धर्म का पुनर्संस्थापक इसको बोला जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा। इसने क्या क्या किया था, देखिए यहाँ पे इसने अशोक के 84,000 स्तूपवास को तोड़वा दिया था। 84,000 स्तूप, यानी ये बौद्ध धर्म का क्या था, बहुत बड़ा विरोधी था, बौद्ध धर्म का ये बहुत बड़ा विरोधी था। बौद्ध ग्रंथ में एक जानकारी मिलती है, क्या बौद्ध ग्रंथों से ये जानकारी मिलती है कि ये बौद्ध धर्म का बड़ा विरोधी था, इसने 84,000 स्तूप तोड़वाए थे, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं भी इसने करवाई थी, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी करवाई थी, लेकिन फिर भी इसने क्या काम किया था, सांची के जो आपका सांची का जो आपका महास्तूप है इसमें क्या किया, इसने लकड़ी की वेदिका जो थी उसको पत्थर की वेदिका बनवा दिया था। इसमें जो सांची का स्तूप है वहां पे लकड़ी की वेदिका थी, मतलब बाउंड्री जो थी वो लकड़ी की थी, इसने क्या कर दिया था पत्थर की बनवा दी थी। और ये आपका क्या है, भारूत स्तूप मिलता है जो कि सतना में है, मध्य प्रदेश के सतना में भारूत स्तूप है, तो इसका भी इसने निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या है, आगे जो राजा आते हैं वो अग्निमित्र आते हैं, ये किसके बाद आते हैं, पुष्यमित्र शुंग के बाद आपके राजा आते हैं। अब इनके काल में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं दोस्तों, अग्निमित्र के साथ आपका एक युद्ध होता है, क्या होता है आपका विदर्भ का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, और ये युद्ध आपका यज्ञसेन के साथ होता है, किसके साथ होता है, यज्ञसेन के साथ आपका युद्ध होता है। अब ये जो यज्ञसेन के साथ होता है, यज्ञसेन की एक चचेरी बहन होती है मालविका, अग्निमित्र क्या करते हैं यज्ञसेन को हरा देते हैं युद्ध में, और इनकी जो चचेरी बहन होती है मालविका, चचेरी बहन होती है, इनसे ये क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। और इसी चीज पे क्या है, अग्निमित्र के साथ जब मालविका की शादी होती है तो कालिदास एक रचना लिखते हैं इसी के ऊपर, एक इनका नाटक है जिसको मालविकाग्निमित्रम कहा जाता है, यानी इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, पूरा का पूरा आपका क्या है प्रेम पे आधारित आपका ग्रंथ है। क्यों, क्योंकि अग्निमित्र को मालविका से मोहब्बत हो जाती है और मालविका को भी अग्निमित्र से मोहब्बत हो जाती है, तो इसी पर कालिदास ये ग्रंथ लिखते हैं क्या, मालविकाग्निमित्रम। और कालिदास ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्या है, कवि हैं, इनको भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, कलिंग अभियान भी हुए थे, कलिंग अभियान किसने, अग्निमित्र ने किए थे। तो कलिंग अभियान में जो कलिंग का जो एक वंश था, क्या था, चेदी वंश, जिसको हम आगे पढ़ने वाले भी हैं, आगे अभी नहीं, मतलब एक वंश आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे चेदी वंश को, जिसको कलचुरी वंश भी बोला जाता था। तो कलिंग पे जो इन्होंने अभियान किया था, उस समय कलिंग पे जो राजा था वो चेदी वंश का शासक था, यानी कि कलचुरी वंश का शासक था, और जो इसका संस्थापक है ना, चेदी वंश का जो संस्थापक है वो महामोघ वाहन है, क्या है, महामेघ वाहन है। और चेदी वंश का जो सबसे प्रतापी राजा होता है वो खारवेल होता है, और ये जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है, और ये हाथी गुफा अभिलेख आपका प्राकृत भाषा में जारी एक अभिलेख है, किसमें है, प्राकृत भाषा में। देखिए एक आपका जूनागढ़ का अभिलेख है, वो आपका शुद्ध संस्कृत में जारी है, और जो आपका हाथी गुफा अभिलेख है ये आपका प्राकृत भाषा में जारी है, तो ये बातें याद रखना।
अब इसमें क्या है, हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग प्रशासन की ही जानकारी दी गई है। इसमें क्या है, जो आपका कलिंग प्रशासन तो जानकारी मिलती है, भारत वर्ष का उल्लेख भी मिलता है। सबसे पहले भारत वर्ष शब्द का प्रयोग आपका इसी हाथी गुफा अभिलेख से देखने को मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन राजा आते हैं। राजा कौन आते हैं आपके, भागभद्र आपके एक राजा आते हैं। कौन राजा है, भागभद्र। ये सारे के सारे आपके क्या है, शुंग वंश के राजा हैं। अब इनके काल में बहुत इंपोर्टेंट घटना होती है, क्या होती है देखिए। भागभद्र के दरबार में यूनानी राजा क्या है, यूनानी राजा एंटियाल कीड्स ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा था। यूनानी राजा एंटियाल कीड्स ने हेलियोडोरस को भेजा था, और इस हेलियोडोरस ने क्या किया था, भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था। विदिशा में गरण स्तंभ बनवाया इसने, किसने, हेलियोडोरस ने। भागवत धर्म को इसने क्या कर लिया था, एडॉप्ट कर लिया था, किसने, हेलियोडोरस ने, जिसे यूनानी राजा एंटियाल कीड्स ने भेजा था। किसके दरबार में, भागभद्र के दरबार में, और इसने भागभद्र के दरबार में आकर भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ से आप कनेक्ट भी कर पाएंगे, भागभद्र और भागवत धर्म दोनों को एक जैसी राइमिंग में आप कनेक्ट कर पाएंगे। और विदिशा में इसने क्या है, गरुड़ स्तंभ के बनवाया है, किसने, आपके हेलियोडोरस ने। इसके बाद जो राजा आते हैं वो देवभूति होते हैं, ये आपके शुंग वंश के अंतिम शासक होते हैं। तो याद रखना, एक तो पहले राजा को आप याद रखिए, एक आपके लास्ट राजा को याद रखिए, और जो इम्पोर्टेंट राजा होते हैं उनको याद रखिए। हालांकि सारे के सारे इम्पोर्टेंट ही मैं करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी लास्ट और आपका जो प्रथम है उनको तो याद रखना ही होता है। आपका क्या है, ये शुंग वंश का देवभूति अंतिम शासक होता है, और इसकी जो हत्या है वो 73 BC में वसुदेव ने कर दी थी। और ये वसुदेव कौन था, ये कण्व वंश का आपका क्या था, संस्थापक था, कण्व वंश का राजा था। कौन, वसुदेव। तो वसुदेव ने इसकी हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी। ये आपका क्या है, यहाँ पे विदिशा का आपका क्या है, ये गरुड़ स्तंभ है। और यहाँ पे क्या है, आपके राज्य की कुछ लोकेशंस दी हैं, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा अगर यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस आपको आगे मिलती है तो आगे इसको डिस्कस करता हूँ। लेकिन अभी आपको क्या है, कण्व वंश के बारे में बता देता हूँ, जो कि वसुदेव ने इसकी स्थापना की 73 BC में, किसको खत्म करके, आपके देवभूति को खत्म करके आपकी क्या है, इसने स्थापना की। तो इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट राजा हैं वो वसुदेव है, भूमि मित्र है, और आपका नारायण है, और आपका सुशर्मन है। आपको जो याद रखना है वो क्या है, कण्व वंश का संस्थापक याद रखना है, और कण्व वंश का अंतिम शासक याद रखना है। कण्व वंश का जो संस्थापक है वो वसुदेव है, और जो अंतिम शासक है वो सुशर्मन है, यानी कि सुशर्मा भी मिलता है कहीं कहीं पे। और इनकी जो राजधानियां थी वो दो राजधानियां थी, एक आपकी पाटलिपुत्र थी, एक आपकी विदिशा थी। तो विदिशा राजधानी अभी हमने पढ़ा था किसकी थी, पुष्यमित्र शुंग की भी थी, और ये आपकी कण्व वंश की थी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो राजधानियां हो जाती हैं, तो ये बात आपको याद रखना है। सातवाहन वंश है, और ये आपका क्या है, अगर आप प्राचीन हिस्ट्री पढ़ते हो, एंशियंट इंडिया पढ़ते हो, तो आपको ये, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो मतलब एक बहुत बड़ी चूक कर रहे हो आप इतिहास के साथ, बहुत बड़ा पॉइंट आप मिस कर रहे हो अगर आप ये नहीं पढ़ते हो। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें जो इम्पोर्टेंट राजा हैं उनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला जो राजा है वो सिमुक है, और पहला राजा आपका क्या होता है, संस्थापक होता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट राजा आता है वो सत्कर्णी प्रथम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट राजा होता है। हाल एक आता है, एक आपका गौतमी पुत्र सत्कर्णी आता है। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट राजा हैं। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी आता है, और आपका क्या है, यज्ञश्री पुलवामी आता है, और आपका लास्ट आपका क्या होता है, पुलवामी चतुर्थ आता है। तो ये ऐसे ऐसे राजा आते हैं। हालांकि इसमें बहुत से राजा हुए हैं, करीब 30-35 राजा हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमको पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट पढ़ना है, बाकी कुछ भी हमको टच नहीं करना है, अपने एग्जाम की दृष्टिकोण से ही हमको पढ़ना होता है। और ये इतना भी अगर आप पढ़ लेते हो तो समझो आपने बहुत पढ़ लिया है, क्योंकि इतना कोई नहीं पढ़ाता है। तो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह से आपकी सिमुक ने इसकी स्थापना की थी। तो सिमुक जो था इसने क्या किया था, जो सिमुक आपका संस्थापक है, इसने कण्व वंश के शासक आपके क्या थे, सुशर्मन थे, जो कि लास्ट शासक थे, क्योंकि कण्व वंश का जो संस्थापक था वो आपका क्या था, वसुदेव था। उसने आपकी क्या की थी, देवभूति की हत्या की थी। देवभूति कौन था, आपका शुंग वंश का था। तो कण्व वंश के शासक की आपकी हत्या सुशर्मन ने की। इतिहास में मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, कोई भी राजा आएगा तो एक
राजा को हटाकर ही आता है दूसरा राजा। तो ये आप लोग एक पॉइंट है, इसको याद रखना कि ये कोई भी नेक्स्ट वंश आता है तो पिछले वाले वंश को समाप्त करके ही एक नए वंश की स्थापना करता है। अब ये जो सिमुक था, इसका जो क्षेत्र था वो आपका कहाँ था? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाले इलाके में था, यानी कि पूरा का पूरा साउथ आपका कवर किए हुए थे ये। और ये गोदावरी नदी के तट पे थे। शासन काल इनका लगभग लगभग 300 वर्षों तक चलता है, 3 शताब्दी तक चलता है। और सातवाहन वंश इसको अंधकार युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें करीब 30 राजा हुए हैं, लेकिन सबकी जानकारी यहाँ पे नहीं मिल पाती है, इसीलिए इसको अंधकार युग बोला जाता है। और इसकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी। अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन का मामला आता है दोस्तों। क्या कंफ्यूजन आती है कि भाषा इनकी प्राकृत थी, लेकिन इनकी लिपि क्या थी? वो ब्राह्मी थी। और इनका धर्म क्या था? वो ब्राह्मण था। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे, क्योंकि ब्राह्मण धर्म है तो फिर आपकी संस्कृत भाषा होनी चाहिए, लेकिन आपको यहीं पे तो आपको याद रखना है कि इनकी भाषा आपकी क्या थी? प्राकृत थी, और लिपि ब्राह्मी थी, और धर्म ब्राह्मण था। जानकारी कहाँ से मिलती है? एक तो आपका नागनिका अभिलेख है, एक आपका नासिक अभिलेख है, और एक आपका हाथी गुफा अभिलेख है, जिसको खारवेल ने आपका जारी कराया है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना, कहाँ कहाँ से आपको इनकी जानकारी मिलती है। पुराण है, एक आपके अभिलेख है। पुराण में इसको आंध्र बोला गया है, अभिलेख में इसको सातवाहन बोला गया है, इसीलिए इसका नाम आंध्र सातवाहन वंश पड़ जाता है। अब आगे देखते हैं कौन इम्पोर्टेंट क्या आते हैं। इम्पोर्टेंट आपके एक राजा आते हैं, सत्कर्णी प्रथम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट राजा हैं, और इसके सबसे प्रतापी राजा भी बोले जाएं तो बिल्कुल भी आपको इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। बहुत प्रतापी राजा होते हैं आपके कौन? सत्कर्णी प्रथम। इन्होंने क्या किए थे? दो अश्वमेघ यज्ञ, दो आपके क्या कराए थे इन्होंने? अश्वमेघ यज्ञ कराए थे, एक राजसूय यज्ञ कराया था। और इनकी एक पत्नी थी नागनिका, जो कि जिनका नाम नागनिका तो था ही था। ये नागनिका के नाना घाट अभिलेख से आपको इनकी जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? नाना घाट अभिलेख से मिलती है जानकारी, जिसको नागनिका ने जारी कराया था। अब यहाँ पे सत्कर्णी भूमिदान की प्रथा ब्राह्मणों व बौद्धों को, यहाँ पे क्या है, सत्कर्णी जो है इसी ने आपकी क्या थी? भूमिदान की प्रथा भी चलाई थी। ये नागनिका के जो नाना घाट अभिलेख है वहां से ही जानकारी मिलती है कि सत्कर्णी प्रथम ने भूमिदान की प्रथा को चलाया था, जो कि मतलब जिसको आपके विनोबा भावे आगे आंदोलन करेंगे आपके आधुनिक इतिहास में, जैसे कि भूदान आंदोलन आएगा आपका, उसको जो आगे बढ़ाएंगे वो आपके विनोबा भावे बढ़ाएंगे। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपकी भूमिदान की, वो आपकी कहाँ से हुई थी? सत्कर्णी प्रथम ने, और आंध्र सातवाहन वंश ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये पॉइंट है आपको याद रखना है। राजधानी इनकी अमरावती थी। उपाधियां इसकी क्या थी? किसकी? सत्कर्णी प्रथम की उपाधियां, जिसको दक्षिणापत पति बोला जाता था, प्रतिष्ठान पत पति बोला जाता था, क्योंकि दक्षिण के राजा थे तो दक्षिणापत पति। और प्रतिष्ठान आपकी क्या थी? ये आसमक एक जो राज्य होता है, मतलब महाजनपद, उसकी राजधानी होती है पैठान, तो वहीं आपकी होती है ये, तो इसको प्रतिष्ठान पति भी बोला जाता है। अब इनके जो अन्य नाम है, यहाँ पे एल्डर सैरागोन आपका इन्हीं का नाम है, और ये जानकारी आपको पेरिप्लसा पिरिथियन सी से मिलती है। ये एक अज्ञात व्यक्ति की पुस्तक है, कोई भी इसका राइटर इसका पता नहीं कर पाया है कि किसने लिखी है। पेरिप्लसा पिरिथियन सी बुक है, जिसमें यूनानी और मौर्य साम्राज्य के बीच व्यापार दिखाया गया है, कि यूनान से व्यापार होता था आपका मौर्यों का, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड होती थी इन लोगों की। अब इसके बारे में, सत्कर्णी के बारे में क्या है हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में क्या आता है? एक व्यक्ति आता है हाल। हाल क्या होता है? ये बहुत बड़ा विद्वान होता है, ये संस्कृत का प्रकांड पंडित होता है, प्रकांड विद्वान होता है, संस्कृत का महान विद्वान होता है। और इसकी जो रचना है वो गाथा सप्तशती है, और ये आपकी रचना है प्राकृत भाषा में। बिल्कुल भी मतलब मैच नहीं खा रही कि संस्कृत का विद्वान है और रचना लिखी है प्राकृत भाषा में, वो भी गाथा सप्तशती के नाम से। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि यही पॉइंट आपके एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि आप तो पढ़ के जाते हैं कि वो संस्कृत का विद्वान था तो रचना भी संस्कृत में होनी चाहिए, लेकिन रचना इनकी प्राकृत भाषा में मिल जाती है। तो ये आपकी क्या है, यहाँ पे पुस्तक भी बनी हुई है गाथा सप्तशती। अब इनके काल में क्या हुए हैं? इनके काल में मैं आप लोगों को बताता हूं, एक आपके सर्ववर्मन हुए हैं, एक आपके कौन? सर्ववर्मन के बाद गुड़ाढ़े हुए हैं।
क्या हुए हैं, ये कवि हैं, ये विद्वान हैं। अब ये जो सरब बर्मन है, सरब बर्मन ने एक पुस्तक लिखी है कांत्रत, या फिर इसको तांत्रक बोला गया है। घोड़ाड़े की एक आपकी क्या है ब्रत कथा, जिसको क्या है ये विष्णु शर्मा ने इससे ही प्रेरित होकर आपकी पंचतंत्र लिखी थी। जो विष्णु शर्मा आगे लिखते हैं ना पंचतंत्र, वो आपकी घोड़ाड़े की ब्रत कथा पर ही आधारित है। कौन सी रचना? पंचतंत्र, जो कि विष्णु शर्मा की है, ये घोड़ाड़े की ब्रत कथा पे आधारित है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। आगे जो राजा आते हैं वो गौतमी पुत्र सत्कर्णी होते हैं। इनके बारे में जान लेते हैं क्या इन्होंने किया। ये 23वें शासक थे, सबसे प्रतापी राजा हुआ। सबसे जो प्रतापी हुआ मतलब पूरे के पूरे आंध्र सातवाहन वंश में, वो गौतमी पुत्र सत्कर्णी था। हालांकि आपका जो प्रथम सत्कर्णी था वो भी बहुत इंपोर्टेंट राजा था, लेकिन ये आपका सबसे प्रतापी राजा हुआ है। सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक इसको बोला जाए तो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं, क्योंकि ये सबसे प्रतापी शासक हुआ है। इसकी जो उपाधियां हैं दोस्तों वो क्या है, आदित्य ब्राह्मण इसको बोला गया है, एका ब्राह्मण बोला गया है, वेदों का आश्रयदाता, क्योंकि इसने क्या किया था, वेदों का आश्रयदाता, यानी इसने यहाँ पे वैदिक धर्म को पुनः मतलब स्थापित करने की कोशिश भी की थी। वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है, तीर समुद्र पति भी इसको कहा गया है, और बेण कटक स्वामी भी इसको कहा गया है। तो ये इसकी उपाधियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं। इसकी माता का नाम बलश्री था, जो कि नासिक अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? नासिक अभिलेख से। और ये जो बलश्री है ये अपने पुत्र सत्कर्णी के साथ संयुक्त रूप से शासिका भी रही थी। जब ये सत्कर्णी छोटे थे, कौन से? गौतमी पुत्र सत्कर्णी जब छोटे थे तो इनकी जो माता थी बलश्री इनके साथ में रही थी शासिका के रूप में। और यहाँ का जो समाज था वो क्या था, पितृसत्तात्मक था, ना कि मातृसत्तात्मक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे के साजा, कोई गौतमी पुत्र सत्कर्णी है तो कोई आपका पुलवामी सत्कर्णी मिलेगा, तो ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे जैसे कि लगता है ये आपके क्या है मातृसत्तात्मक समाज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके पितृसत्तात्मक समाज से संबंधित थे। और इसके घोड़े जो थे वो तीन समुद्रों का पानी पीते थे, इसीलिए इसको त्रिसमुद्र पति भी बोला गया है। तीनों समुद्र, जैसे कि आपका साउथ आपका एरिया जो है उसके चारों तरफ आपका तीनों तरफ क्या है, समुद्री समुद्र है। आपके इधर भी समुद्र है, बंगाल की खाड़ी, इधर आपका अरब सागर है, और इधर आपका क्या है, नीचे आपका क्या है, हिंद महासागर है। तो ये सारी चीजें हैं, तीनों तरफ आपका क्या है, समुद्र है। तो इसके घोड़े तीनों समुद्रों का पानी पीते थे। और ये आपका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किस शासक के तीनों मतलब किस शासक के घोड़े तीनों समुद्र का पानी पीते थे, तो आपको गौतमी पुत्र सत्कर्णी याद रखना है। इसने शक शासक नैपान को हराया था। एक शासक आया था इसके काल में, नैपान शासक, जो कि आपका शक शासक था, ये विदेशी था, इसको इसने हराया था। और ये जानकारी जोगल थम्बी नासिका के जो नासिक अभिलेख है, नासिक में जो अभिलेख है, एक जोगल थम्बी वहां से जानकारी मिलती है, मृदवांडों से पता चलता है। और यहाँ पे 13,250 सिक्के मिलते हैं जिसपे नैपान और आपका गौतमी पुत्र सत्कर्णी का नाम लिखा होता है, जिससे पता लगता है कि इनके बीच में या तो युद्ध हुआ होगा या ट्रेड हुई होगी, लेकिन दोनों का नाम यहाँ पे देखने को मिलता है सिक्कों पे। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कौन राजा आते हैं, कौन है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, जिनको सत्कर्णी भी बोला जाता है, वशिष्ठी पुत्र सत्कर्णी भी बोला जाता है। और इनकी जो उपाधियां थी इनको थी, इनकी उपाधियां क्या थी दोस्तों आपकी, इनको आंध्र सम्राट भी बोला जाता है और दक्षिणा पथेश्वर भी बोला जाता है। तो ये दोनों उपाधियां आपकी किसकी हैं, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी की हैं। अब इनके जो अभिलेख हैं वो नासिक अभिलेख है, कार्ले अभिलेख है, अमरावती, यहाँ से आपको अभिलेख मिलेंगे, नासिक से, कार्ले से, अमरावती से, यहाँ से आपके इनके अभिलेख मिलेंगे। और इनके जो सिक्के थे, दो पतवार वाली जहाज थी, मतलब सिक्कों पर एक क्या था, जहाज का चित्र था जिसपे दो पतवार थे, एक आपका इधर से खे रहा है आपके जहाज को, एक इधर से, तो दो पतवार वाला आपका जहाज का जो आपका चित्र मिलता है सिक्कों पर वो आपका आंध्र सातवाहनों का ही है, और वो भी आपका किसका है, पुलवामी, जो कि वशिष्ठी पुत्र पुलवामी है उसका है। अब इसे कादर्मक शासक रुद्रदामन ने दो बार हराया। किसको? ये जो पुलवामी है वशिष्ठी पुत्र, इसको किसने हराया था, रुद्रदामन, जो कि शक शासक है, जिसको कादर्मक शक शासक बोलते हैं, दो बार हराया। और हराया तो इसने फिर क्या किया, इनके बीच में कुछ संबंध बन गए हराने के बाद। रुद्रदामन ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह
इसके पुत्र शिवश्री से कर दिया था, जो कि वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का पुत्र था। इनका आपस में वैवाहिक संबंध हो जाता है और अपने राज्य को और भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये अपनी नीतियां तैयार कर लेते हैं। तो ये आपका क्या है, इसके लास्ट में आपका एक व्यक्ति आता है यज्ञश्री, मतलब एक शासक आता है यज्ञश्री सत्कर्णी। अब ये जो यज्ञश्री सत्कर्णी है, ये क्या है, आपका अंतिम शक्तिशाली शासक है। और सिक्कों पर जो जलयान का चित्र मिलता है, वो आपका, जिसको जलयान का चित्र आपका मिलता है, किसने जारी कराया था, यज्ञश्री सतकर्णी ने। क्या जानकारी थी, जल यात्रा और समुद्र व्यापारी का प्रतीक था, मतलब समुद्र के सहारे भी ट्रेड करते थे और ये जल यात्रा भी करते थे। तो ये इस बात का एक क्या है, सूचक है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कोई और भी इम्पोर्टेंट राजा है। तो एक राजा आपके क्या है, बचते हैं चतुर्थ, आपके हैं कौन, पुलवामी चतुर्थ, जिनको विजय भी बोला गया है। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा कि विजय के शासक को बोला गया है आंध्र सातवाहन में, तो चतुर्थ पुलवामी जो है उनको बोला गया है। ये आपके क्या है, अंतिम शासक हैं और विघटन यहीं से शुरू हो जाता है। क्यों, अंतिम शासक आपके पुलवामी चतुर्थ, यहाँ से आपका क्या है, विभाजन होता है, जैसे आपके विदर्भ आपके बाकाटक वंश आ जाते हैं और यहाँ से आपके दक्षिण महाराष्ट्र में अबीर वंश आ जाता है, आंध्र प्रदेश में आपका इक्ष्वाकु वंश आता है, कर्नाटक में कदम वंश आता है। ये आपके क्या है, इसके बाद के थोड़े राज्य हैं जिनमें आपका जो दक्षिणी आपका अबीर वंश है, इसके संस्थापक आपके कौन है, ईश्वर सेन है। और जो इच्छवासु वंश है, इसके संस्थापक आपके कौन है, शांत मूल है। इनका जो उत्तराधिकारी आता है वो वीर पुरुष दत्त, जिसको नांगा अर्जुनी कोंडा स्तूप बनवाया था जिसने। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे इनकी। आप जो नेक्स्ट आपके क्या है, इनके कुछ फैक्ट हैं, कुछ इनके अन्य तथ्य हैं, उनको भी देख लेते हैं। क्या है, सातवाहनों की कुछ विशेषताएं हैं कि शीशे के सिक्के इन्होंने चलाए, जो कि 500 ग्रेन के होते थे। चांदी तांबे कांसे प्रोटीन के सिक्के भी इन्होंने ही चलवाए थे, तो बहुत ज्यादा सिक्के चलवाए थे इन्होंने। और सातवाहन जो शासक थे, सिक्कों को ढालने का जो शीशा मंगाते थे वो रोम से मंगाते थे। सिक्के क्या बनते थे, शीशे से बनते थे, कभी चांदी से भी बनते थे, लेकिन जो भी सामग्री आती थी वो ये कहाँ से मंगाते थे, रोम से मंगाते थे। इस वंश के शासक सर्वाधिक व्यापार आपके कल्याण नामक बंदरगाह से करते थे। एक बंदरगाह होता था जिसके द्वारा ये सबसे ज्यादा ट्रेड करते थे, वो कल्याण नामक बंदरगाह था। और सातवाहनों की प्रशासनिक इकाइयां क्या थी, वही थी जो मौर्य काल में थी। जो मौर्य काल में हमने प्रशासनिक इकाई था, राजा था, राजा के नीचे आपका क्या था, प्रांत होता था, इस तरह से वहां पे क्या होते थे, राज्यपाल होते थे। तो इस तरह की आपकी इकाइयां आपको कहाँ पे मिलेंगी, आपकी सातवाहन वंश में भी मिलेंगी। और यहाँ पे क्या था, सेनापति को प्रांत शासनाध्यक्ष या गवर्नर बोला गया था, जो सेनापति था उसको प्रांत का गवर्नर या फिर शासनाध्यक्ष बोला गया था। ग्रामीण प्रशासन जो था वो प्रमुख उसको बोला गया था, उसको क्या बोलते थे, गौलमिक। ग्रामीण शासन का जो प्रमुख होता था वो गौलमिक होता था। और जो सातवाहन शासक थे, उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य एक सेतु का काम इन्होंने किया है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य एक इन्होंने क्या किया है, सेतु का, एक पुल का, एक ब्रिज का काम किया है। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। क्या है बाकाटक, बाकाटक वंश के बारे में पढ़ेंगे। क्या है बाकाटक जो है, ये आपका क्या है, 300 AD से आपका 500 AD तक रहता है, ये शासन करता है। और इसके जो इम्पोर्टेंट राजा है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ क्या है। सबसे जो इसका पहला राजा है, यानी कि जो इसका संस्थापक है, वो आपका क्या है, बिंद शक्ति है। उसके बाद में एक राजा आते हैं प्रवरसेन, प्रवरसेन फर्स्ट। और उसके बाद में एक राजा आते हैं आपके रुद्रसेन, और इसके बाद में आते हैं आपके पृथ्वी सेन फर्स्ट, उसके बाद में प्रवरसेन सेकेंड और पृथ्वी सेन सेकेंड। अब ये बड़े कन्फ्यूजिंग नाम है, आप लोग कैसे इनको याद करेंगे, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। जैसे आप यहाँ पे बिंद शक्ति को आपने पकड़ लिया, फिर आपका क्या है, प्रवरसेन फर्स्ट है, और उसके बाद आपका क्या आएगा, रुद्रसेन, रुद्र के बाद में पृथ्वी सेन फर्स्ट, और फिर से आपका क्या है, प्रवरसेन सेकेंड। मैंने यहाँ पे क्या है, जो एक एक कलर, मतलब वैसे जैसे कि प्रवरसेन फर्स्ट है और प्रवरसेन आपका सेकेंड है, तो एक ही कलर से मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है। अब यहाँ पे पृथ्वी सेन फर्स्ट है और आपका पृथ्वी सेन सेकेंड है, तो एक ही कलर से मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो पाए, ये मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की है। और यहाँ पे जो ये क्षेत्र था, ये दक्षिण भारत के राजा थे, क्या थे, बाकाटक आपके कहाँ पे थे, दक्षिण भारत में थे। और इनका जो संस्थापक था वो बिंद शक्ति था।
क्या था? इसने 255 इकाई में क्या किया था, लगभग इसका क्या है, 255 इकाई के आसपास इन्होंने क्या किया था, इसका स्थापना किया था, इस वंश का, बाकाटक वंश का, किसने? बिंद शक्ति ने। उसके बाद में क्या होता है, इनकी जो राजधानी है दोस्तों वो नंदीवर्धन थी, जो कि नागपुर वाले क्षेत्र में पड़ती है। और इनके जो पूर्वज थे सातवाहनों के अधीन रहते थे, जो अभी हमने पिछली क्लास बोले तो अभी मतलब जो पिछली स्लाइडों में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सातवाहन के बारे में पढ़ा है, तो सातवाहन के ये क्या थे, अधीन थे, मतलब उनके अंडर में ये काम करते थे और विदर्भ के शासक थे। कहाँ के शासक थे ये? विदर्भ के शासक थे। आगे बढ़ते हैं और इनको देखते हैं कि इनका क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। तो प्रवरसेन आपका क्या आता है, प्रवरसेन प्रथम आता है, इसके बाद किसके बाद आपका, बिंद शक्ति के बाद आपका आता है प्रवरसेन प्रथम। और यहाँ पे क्या है, एकमात्र शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की, मतलब प्रवरसेन एक इम्पोर्टेंट राजा आता है जिसने आपके क्या है, सम्राट की उपाधि धारण की होती है। और पुराणों में इसने क्या है, पुराणों में जानकारी मिलती है कि इसने 4 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। कितने? 4 इसके अश्वमेघ यज्ञ हुए थे, 4 बार इसने अपना अश्वमेघ यज्ञ कराया था। और अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी शक्तिशाली राजा जब हो जाता है तो अपने घोड़े छोड़ता है, उस पर लिख के उसमें एक चिट लगा देता है, एक पर्ची उसके गले में बांध देता है, जिसमें लिखा रहता है कि ये घोड़ा जहाँ तक जाएगा वो क्षेत्र हमारा होगा, और अगर कोई इसको रोकता है तो उसको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। और घोड़े के पीछे पीछे आपकी सेना भी होती थी क्योंकि युद्ध के लिए। तो ये आपका क्या होता है, अश्वमेघ यज्ञ। प्रवरसेन के पश्चात बाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में आपका बढ़ जाता है, एक आपकी प्रधान शाखा और एक आपकी बसीय शाखा। तो ये 2 बसीय भी इसको बोलते हैं, एक बसीम शाखा भी इसको बोल देते हैं कभी कभी। तो ये 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। तो जो प्रधान शाखा होती है, यानी कि जो मैन शाखा होती है, एक तो मैन आपकी शाखा रहेगी जो आपकी चली आ रही है, एक आपकी क्या, उसमें से एक शाखा निकल जाती है, उसको बसीय शाखा बोलते हैं। तो जो मैन आपकी शाखा थी, प्रधान शाखा थी, उसमें आपका एक शासक आता है। उसमें शासक तो बहुत आते हैं, जैसे कि आपके रुद्रसेन आएंगे, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल आएगा, प्रवरसेन द्वितीय आएंगे, और आपके नरेंद्र सेन आएंगे, पृथ्वी सेन द्वितीय आएंगे। तो ये सारे के सारे इसमें शासक रहते हैं, जो कि हमने अभी पीछे हमने देखे थे क्या, रुद्रसेन का। इसमें सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं कि कौन कौन शासक हैं बस, और डेट वाइज अगर आप याद कर पाएँ तो कर लें, वरना आपका कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। रुद्रसेन, प्रभावती गुप्ता। और ये प्रभावती गुप्ता कौन है, जब हम अभी पढ़ेंगे ना, अगली क्लासों में हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य को। तो वहाँ पे जो आपके एक गुप्त साम्राज्य होते हैं, जिनका नाम होता है आपका क्या, चंद्रगुप्त सेकंड होता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होता है, उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है प्रभावती गुप्ता। तो उसका ये संरक्षण काल रहता है। प्रभासेन द्वितीय, नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन द्वितीय, ये आपके क्या हैं, राजा हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या होता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है गुप्त शासक का चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह आपका रुद्रसेन से हुआ था। ये जो आपका रुद्रसेन है, कौन सा रुद्रसेन, ये वाला आपका जो रुद्रसेन है, इसी के साथ आपका क्या है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री जो थी प्रभावती गुप्ता, इनका आपका क्या है, विवाह हुआ था किनसे, रुद्रसेन से। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि रुद्रसेन से किसका विवाह हुआ था, तो प्रभावती गुप्ता का। और प्रभावती गुप्ता किसकी बेटी थी, चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी। और चंद्रगुप्त सेकंड कौन था, ये गुप्त साम्राज्य का एक राजा था। विवाह के पश्चात क्या हुआ था, कुछ समय बाद रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। दोनों पुत्र अवश्य थे, मतलब मृत्यु होती है लेकिन इनके 2 पुत्र थे। इनके क्या है, मृत्यु से पहले क्या है, रुद्रसेन के 2 पुत्र होते हैं। और वो पुत्र क्या होते हैं, अवयस्क होते हैं, मतलब वो ऐसी एज में नहीं होते हैं कि वो शासन को संभाल सकें। जिनका नाम एक तो आपका होता है दिवाकर सेन, एक आपका होता है दामोदर सेन। तो ये आपके क्या होते हैं, 2 पुत्र होते हैं। और इन्हीं के जब ये अवयस्क होते हैं, तभी तो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल रहता है। ये क्या है, माता इनके साथ में शासन करती हैं, शासिका के रूप में रहती हैं। फिर इसके बाद जो पृथ्वी सेन सेकेंड आते हैं, जो लास्ट हमारे शासक होते हैं ये वाले, ये क्या है, प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसका राज्य बसीय शाखा के हरिसेन के हाथ में आ गया था। और ये जो पृथ्वी सेन थे, ये तो इम्पोर्टेंट राजा थे ही थे और अंतिम शासक भी थे, लेकिन इनके बाद में क्या होता है, जो अभी एक शाखा इसकी निकली थी बसीय शाखा, ये इस पे कब्जा कर लेती है। और उसका जो राजा होता है वो हरिसेन होता है, उसके हाथों में ये सारा का सारा साम्राज्य आ जाता है। आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट है कि नहीं।
है बिल्कुल है, बकाटक कला है, साहित्य है। तो बकाटक कला के बारे में देख लीजिए, जो प्रवरसेन द्वितीय है उसने क्या है मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की है। मराठी प्रवरसेन द्वितीय के सामंत आपके कौन थे, व्याघ्र देव ने। जो प्रवरसेन द्वितीय आते हैं उनके सामंत होते हैं व्याघ्र देव। उन्होंने क्या किया था, नैना कुठार पन्ना आदि मंदिरों का निर्माण कराया था। किनका किनका, नैना है कुठार है पन्ना है, यहाँ पे इन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया था। अजंता का 16वां और 17वां जो गुहा विहार है, मतलब 16वां और 17वीं जो गुफा है, वो 19वें गुहा विहार का चैत्य का भी निर्माण कराया था। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने कराई थी, 16वीं गुफा और 17वीं गुहा और 19वीं गुफा, ये इन्होंने ही आपका क्या है निर्माण कराया था। बिहार का चैत्यों का भी निर्माण इन्होंने ही कराया था। किन्होंने, आपके बाटा का बकाटक वंश के लोगों ने, शासकों ने। तो ये आपकी इमेजेज हैं जहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें निर्माण कराई हैं, ये गुफाएं हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट आता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या है। इसके बाद एक राज्य आता है चेदी वंश, चेदी वंश जिसको कलचुरी वंश बोलते हैं। कलचुरी वंश ये आपका क्या है, कलचुरी वंश आपका क्या है, ये आपका कलिंग वाला राज्य है। कलिंग में एक चेदी वंश का उदय होता है जिसका संस्थापक आपका कौन होता है, महामोगबान होता है। मैं पिछली कुछ स्लाइड में मैं बोल चुका हूँ। जानकारी इसकी क्या है, यहाँ पे हाथी गुफा अभिलेख एक मिला है और हाथी गुफा अभिलेख आपका प्राकृत भाषा में है, वहाँ से इस चेदी वंश की जानकारी मिलती है, जिसको खारवेल ने जारी कराया था। और भुवनेश्वर के उड़ीसा में ये मिलता है आपका, कहाँ पे मिलता है, भुवनेश्वर के उड़ीसा में। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक आपका खारवेल था, खारवेल ने ही ये आपका हाथी गुफा अभिलेख जारी कराया था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, जैन मुनियों के लिए इसने उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण कराया था, क्योंकि जैन धर्म को मानता था। तो जैन धर्म के लिए क्या किया इसने, उदयगिरी में कुछ पहाड़ियाँ क्या हैं बनवाई थी इसने। तो ये आपकी क्या है, ये सब क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्या ये पहाड़ियाँ हैं, उनमें गुफाओं, उनमें मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बनवा दी कि वहाँ पे लोग मुनि वगैरह अपनी तपस्या, अपना कल्चर, अपना जो भी है वो वहाँ पे कर सकें। तो ये हमने आप लोगों को बता दिया है। अब इसके बाद जो हमारा आएगा, जो हम कल पढ़ने वाले हैं, क्या भारत पर विदेशी आपका क्या है, भारत पर विदेशी आक्रमण। हालांकि ये भी हम जो पढ़ रहे थे ये आपका मौर्योत्तर काल का है, और ये भी आपका क्या है मौर्योत्तर काल का ही होगा, तो कल हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। और इससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दें, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।